नमस्कार, मैं मौजूद हूं बादली विधानसभा क्षेत्र में। आप सभी को पता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए मात्र 2 सप्ताह शेष है और अब लोग लामबंद होने लगे हैं, अपने अपने नेता की वकालत करने लगे हैं। इस समय मैं बादली विधानसभा क्षेत्र के रैया और डावला गांव के बीच में मौजूद हूँ। यहाँ हुक्के पर मेरे साथ कुछ मतदाता है जो राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। किशोर, माहौल है इस बार बादली विधानसभा क्षेत्र में, क्या पंजा चलेगा या कमल खिलेगा या चश्मे की बाहर रहेगी, इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। ये नाम शुभ नाम भाई साहब? भाई साहब रामवीर नाम है। इनके ने क्या रहेगा रामवीर? भाई साहब कमल खिलेगा बादली हलके में। अच्छा, चौमुखी विकास होगा, कमल खिलेगा। पंजे ते नाराज हो? पंजे ते नाराज हैं भाई साहब। की बात? हम तो पंजे के बिल्कुल नाराज हैं भाई साहब। सेंटर लेवल पे भी नाराज हैं और हरियाणा में भी नाराज हैं। अच्छा, पिछली बार तो जीत गया था पंजे वाले थे भाई साहब। सबका मत का अधिकार है, ज्यादा लोगों ने उनको वोट किया तो वो जीत गए। अब कम लोग वोट करेंगे वो हार जाएगा, अगर उसको ज्यादा वोट पड़ गए तो वो फिर जीत जाएगा। तो बीजेपी प्रत्याशी में ऐसी क्या खास बात है कि आप कमल की तरफ जा रहे हो? भाई साहब सार्वजनिक काम करवाए हैं, ना तो पर्ची खर्ची पे नौकरी दी है ना और कुछ कराया है। टैलेंट पे बच्चे नौकरी लग रहे हैं, ये खासियत है बीजेपी कार्यकर्ता में। अगर दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र की बात करें, एक ने संकल्प पत्र जारी किया है, एक ने गारंटियां दी हैं, आप किसको बेहतर मानते हैं? हम बीजेपी को बेहतर मानते हैं क्योंकि बीजेपी जो बोलती है वो करती है, कांग्रेस नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं करती भाई साहब। 5 साल हमारे विधायक रह गए कुलदीप वत्स जी, उन्होंने 5 साल में हमारे गाँव में 1 रुपया भी नहीं दिया। 5 करोड़ रुपए उसे हर साल मिलते हैं, 25 करोड़ रुपए में उसने 1 रुपया कभी जटवाड़ा गांव में नहीं दिया भाई साहब। मैं जटवाड़ा गांव से हूँ। अच्छा, आप पूछ लो और सभी गांव में पूछ लो, हम सभी गांव में जाते हैं, किसी गांव में उसने 1 पैसा नहीं दिया। राम राम भाई साहब। आपकी क्या राय भाई साहब? मैं तो भाई कमल के साथ हूँ। अच्छा। और ओपी धनखड़ को जिताएंगे। मैं किसान हूँ भैया। हाँ। और मेरे किसान गल तो उनका बुरा बर्ताव हो रहा था या कोई बुरा बर्ताव नहीं आया, लोगों ने समझण में कमी रहेगी भैया। बाजरे की आज 2625 बेकन लाग रहा है। हाँ। और हमारा नजदीक का कति ढाक लागा, मैं मंडी खुलवा दी, इससे फालतू क्या होगा भैया। 2000 रुपया हमारा खाता मान लाग रहा। अरे भी का भाई कितना भी नहीं बता दो कि सूखो पड़े हो, ज्यादा बरसात हुई हो, जब भी भाई 2000 रुपया खाता में गेर दिया। दूसरी बात भाई, कुलदीप ने ती वोट दी लोगों ने, 5 साल तक पाछा निकाल दिया। हर गांव में ऐसे ही किया, मेरे जटवाड़ा गांव में 1 लाख रुपए उठ के गया था मंदिर के। और जब उसने रैली करी तो गांव में बोला भाई मेरा चषक रह गया एक बात की, मैं कहना चाहूं, मैंने उसको सरेआम ये कहा, भाई साहब तने 1 लाख रुपया हमारा गाँव में मंदिर का उठा था, दिया नहीं पंचायत में। उसने गांव वाला जो उसका साथ का था वे नहीं बोला भाई ये तो बीजेपी को है, जब कब है। मैं बोला भैया बता दे कुलदीप। कुलदीप ने हाँ भरी। फिर कुलदीप बोला भाई इससे ने दे दो 1 लाख रुपया। मैं बोला भाई मेरे को नहीं चाहिए, गांव के सरपंच को दे दो, गांव में उठ के गया था। फिर उसने क्या किया भाई, जब दीपेंद्र का इलेक्शन था उसका भाई इस बार मेरे पास आया और न्यू बोला भाई इबका मत कही दीपेंद्र आया तेरा गांव में दे देंगे। और उसने पैसे आज तक नहीं दिया। मैं श्री भगवान जटवाड़ा से हूँ, अगर झूठ हो तो कुलदीप को मेरे सामने बैठा लो। राम राम जी। ये माहौल है? माहौल बढ़िया है जी, मैं सूरत के गाँव का हूँ। अच्छा, हमारे गांव में जो है 75% वोट है। अच्छा। धनखड़ साहब की। हाँ। इसमें हमारे गांव के बहुत बच्चे लगे, सैकड़ों बच्चे लगे है, इसमें कोई पर्ची खर्चा नहीं चला। और ऐसे ही वोट कर गया था, वो भी कुलदीप ने आज तक नहीं दिए। यो तो झूठा है, 1 नंबर का। अच्छा, हमारे गांव में भाई 10000 रुपया वोट का आधा रिजना में वे ना दिए, इसने पानी लगा देता ही। सलाना गांव भाई, एक तरफ ही जीत है धनखड़ साहब की। सलाना गांव में भाई इनके ना पंजे ना चलाओगे दोबारा या कमल ना खिलाओगे, चश्मे बजाओगे? भाई साहब देखो, हम पहले चश्मे वाली पार्टी के थे जी, लेकिन जब ये माए देश में हिंदुत्व की बातें चलने लगी और हिंदुत्व को बिल्कुल सनातन धर्म को और हिंदुत्व को खत्म करने की बातें चलने लगी, तो तब से हम बिल्कुल हिंदुत्व के मुद्दे पे। अगर हम हिंदुत्व को सुरक्षित रखेंगे तो हमारे बच्चे अक्ल को सुरक्षित रहेंगे। ये वोटें डालना, ये छोटी छोटी बातें करना, गली के त्वार बनवाना, छोटी बातें मानते हम। हमें तो अपने धर्म और सनातन धर्म से देखना है, क्योंकि जिस दिन ये आबादी मुस्लिम लोगों की बढ़ेगी, जैसे कश्मीर से पंडित लोगों को भगाया वैसे हमें ही भगाएंगे। इसलिए हमें एकजुट होकर भाजपा को मत देना चाहिए और भाजपा को लाना चाहिए।